करेंगे, जैसा कि पिछली मैंने वीडियो बनाया था कि लाइटिंग को कितना घंटे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई इसी तरह आप एक वीडियो बनाए जो फिल्टर और एयर पंप के ऊपर होता है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि फिल्टर और एयर पंप कितने घंटे चालू रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिल्टर और एयर पंप में क्या डिफरेंस होता है। देखिए फिल्टर क्या होता है, फिल्टर क्या है, पानी को क्लीन करने के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है फिशेस के लिए। लेकिन एयर पंप क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है पानी के अंदर बबल्स के जरिए, लेकिन वो पानी को क्लीन नहीं करता। आप चाहे तो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास बड़ी ज्यादा फिशेस हैं। अब देखिए अभी मेरे पास ज्यादा फिशेस हैं तो मेरे पास एयर पंप भी है और फिल्टर भी है। अगर आपके पास ज्यादा फिशेस हैं तो उनके लिए ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होना पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आपके पास ज्यादा फिशेस हैं तो एयर पंप भी इंस्टॉल करें, फिल्टर भी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कम फिशेस हैं, एक फीट में दो फिशेस हैं या दो फीट के अंदर टैंक में तीन चार फिशेस हैं, तो फिल्टर काफी है, इस एक्स्ट्रा एयर पंप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई, एक्स्ट्रा फिशेस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, लो फिशेस लो ऑक्सीजन, तो ये डिपेंड होता है। तो दोनों कब कब इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए 24 घंटे आप पानी के अंदर आप फिल्टर को ऑन रखें, क्योंकि उनको जो है ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है फिल्टर, बबल जो है बाहर से लेकर अंदर छोड़ता है, तो ये ऑक्सीजन होता है, फिशेस को सप्लाई होती है। अगर आप प्रॉपर फिशेस को सप्लाई करते हैं, फिशेस घूमते रहेंगे, इधर उधर बैठेंगे, आराम से रहेंगे। अगर ये बंद कर देंगे तो क्या होगा, उनके अंदर पानी के अंदर जो फिशेस के अंदर पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन जो कम हो जाएगी, इसकी वजह से फिशेस ऊपर आकर गैसिंग करने लगेंगे, ऊपर आकर सांस लेने लगेंगे, नीचे बहुत कम रहेंगे। इसलिए आप 24 घंटे फिल्टर को ऑन रखें एक्सेप्ट फूड फीडिंग टाइम। अगर आप फूड फीड कर रहे हैं तो तब बंद कर दें, क्योंकि आप फूड फीड करने के टाइम पे आप फिल्टर ऑन रखेंगे तो पैलेट्स घूमते रहेंगे, फिशेस को पिकअप करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप फिल्टर को ऑफ कर दें सिर्फ फीडिंग के टाइम, बाकी टाइम पे कभी भी ऑन रखें। तो प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर बिल्ली चले जाए तो क्या करें। देखिए बिल्ली जाए तो ये तो कॉमन है, इनको कोई रोक नहीं सकता, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, आपको कुछ कर भी नहीं सकते। अगर आपके पास यूपीएस है या बैटरी ऑपरेटेड आपके पास फिर ऑक्सीजन है तो तब दिक्कत नहीं, अगर चले जाए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ लेकिन प्रॉब्लम होगा, अगर चार घंटे से ज्यादा ऑक्सीजन बंद रहेगा, पानी का ऑक्सीजन जो है चार घंटे ज्यादा बंद रहेगा फिल्टर के अंदर, तो सिक्रेट्स तो 100% मर ही जाएगी। सिक्रेट्स ऐसी फिशेस होती है बहुत कम टॉलरेट करती है टेम्परेचर को और ऑक्सीजन लेवल को। अगर चार घंटे से ज्यादा पानी के अंदर बंद रहेगा तो फिशेस सीक हो जाती है, कभी कभी मर भी जाती है, ये बहुत सारे देखा गया है, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुआ भी है मेरे साथ भी, हुआ पहले एक बार, बहुत सारा होता है। हाँ चार घंटे से ज्यादा अगर क्या करें, चार घंटे से ज्यादा अगर आपकी बिजली चले जाए तो मैंने एक जुगाड़ो आइडिया बनाया है, यहाँ पर लिंक आ रही है देख सकते हैं, मैंने जुगाड़ो आइडिया बनाया है। इस मौके पर आप क्या कर सकते हैं, दो बॉटल लेकर आप टेम्पररी जो है ऑक्सीजन फिल्टर आप घर में ही बना सकते हो, इसको फॉलो करें। अगर आप जुगाड़ नहीं कर सकते, आपके पास पैसा है तो आप जो बैटरी का ऑपरेटेड बैटरी के जरिए चलने वाला एयर पंप होता है उसको इस्तेमाल कर ले, जब बिजली चली जाए तो आप उसको इस्तेमाल करें। हाँ अगर जब आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं या आउट ऑफ अगर वैकेशन जा रहे हैं, आप कहीं दूर बाहर जा रहे हैं अकेले को छोड़कर, उस वक्त ध्यान रखें आपके पास बैटरी वाला जो बैटरी और करंट दोनों चलने वाला एक एयर पंप मिलता है उसको रखें, क्योंकि जब बिजली चली जाएगी तो ऑटोमेटिक वो सप्लाई करता रहेगा। आप नहीं रहेंगे ना यहाँ पर, अगर आप बिजली चले गए आप नहीं रहेंगे, दो तीन दिन बाहर जाकर हैं आप फूड का सब ध्यान रखकर चले गए लेकिन ऑक्सीजन का ध्यान नहीं तो फिशेस मर जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप बैटरी वाला फिल्टर ऑक्सीजन पंप लेकर इंस्टॉल कर दें। तो दोनों में से जो है नाइट में आप एयर पंप को बंद कर दें, दिन में आप चालू रख सकते हैं, नाइट में बंद कर दें फिल्टर को ऑन रखें, या फिल्टर को ऑफ रखें एयर पंप को चालू रखें, दोनों में से एक सफल करें। दिन में दोनों चालू रखें अगर आपके पास ज्यादा फिशेस हैं, नाइट में दो मिनट से बंद कर दें, इस तरह आप शफल कर सकते हैं। अगर आपके आप बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं मेरे पास फिल्टर नहीं है क्या सिर्फ एयर पंप से ही अक्वेरियम को चालू मेंटेन कर सकते हैं, ये गलत बात है। अगर आप सिर्फ एयर पंप के जरिए से अक्वेरियम को चला रहे हैं, बॉल के अंदर किसी के अंदर चल जाएगा, फिशेस जी जाएगी लेकिन पानी क्लीन नहीं होगा, जो अमोनिया होगा वो कम नहीं होगा, इसलिए जरूरी है कि फिल्टर जरूर इंस्टॉल कर लें। तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, दोनों की बिल जो कितनी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की बिल कितनी आएगी। देखिए डिपेंड करता है, आमतौर पर सब फिल्टर जो है 24 वाट्स के होते हैं, 8 वाट से लेकर 18 वाट से लेकर 24 वाट्स तक के एयर पंप आते हैं, और जो फिल्टर होते हैं वो भी सेम है 24 वाट्स तक आते हैं। तो दोनों की लगातार आप डेली 12 घंटे इस्तेमाल करेंगे दोनों को मिलाकर, चलिए एक की बात कर लेते हैं, दोनों को कंफ्यूज हो जाएगा, एक की बात करते हैं। दोनों में से एक चालू करेंगे 24 घंटे तब आप महीने की बिजली की बिल आप 50-60 रुपए तक आएगी। अगर सिर्फ आप सिंगल एक इस्तेमाल करते हैं 30-25 रुपीज आएगी, बस इतना ही है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 100% नहीं है, सुन मैं वो भी एक कैलकुलेट का एक एडाप्टर मिलता है, उसको मिलेगा एक कैलकुलेट
कैलकुलेट करके परफेक्ट बता दूंगा, लेकिन अभी जो अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, लेकिन ये 70% श्योर हो सकता है आपको 50-60 रुपीज से ऊपर नहीं आएगी बिजली बिल, अगर आप दोनों 24 घंटे चालू रखेंगे, 12 घंटे चालू रखेंगे तो आपको 30-40 रुपीज आएगी। तो ये थे थोड़े क्वेश्चन फिल्टर और एयर पंप के रिलेटेड। अगर अब लास्ट क्वेश्चन है, कब क्लीन करना है फिल्टर को। देखिए फिल्टर जो है ज्यादा क्लीन मत करें, क्योंकि ज्यादा क्लीन करेंगे उसके अंदर जो है फिल्टर बेनिफिशियल बैक्टीरिया पैदा करता है, जो फिशेस के लिए बहुत जरूरी है। हम देख नहीं पाते उसको, लेकिन फिशेस देख सकते हैं उसको, वो बहुत जरूरी है। विदाउट बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिशेस जो है मर जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप फिल्टर को 3 महीने में एक बार या दो बार क्लीन करें काफी है। क्योंकि अगर आप 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार क्लीन करते रहेंगे फिल्टर को, तो उसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया मरता रहेगा और उसके बाद फिशेस को दिक्कत हो जाएगी सर्वाइव करने में, बहुत जल्दी फिशेस मर जाती है। इसलिए 3 महीने में एक बार, 45 डेज में एक बार या 3 महीने में एक बार क्लीन करें काफी है। और क्लीन करने का तरीका होता है कि इसी पानी को इस्तेमाल करें, नए पानी में क्लीन मत करें, क्योंकि इसी पानी को इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो नहीं मरेगा सेम पानी टैंक का इस्तेमाल करने से। नया पानी लेकर आप क्लीन करेंगे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है स्पॉन्ज के अंदर, मीडिया के अंदर, वो मर जाएगा, इससे फिशेस को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो पुराना पानी है टैंक का वही इस्तेमाल करें, वही इस्तेमाल करके फिल्टर को क्लीन करें। क्वेश्चन थे, हालांकि बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ मैं फिल्टर के ऊपर, यहाँ पर लिंक आ रही है, उसकी लिस्ट ही बनाया हूँ मैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं कितने घंटे इस्तेमाल करना है, कौन से टैंक के लिए कौन सा फिल्टर बेस्ट है, कंपैरिजन वीडियो सब मैंने बना दिया है। बस ये थोड़ा एक छोटा वीडियो था कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, बार बार वही कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि वही आपको एक वीडियो के जरिए बता दूं कि इसके टिप्स कौन कौन से हैं। अगर फिर भी मैं अगर कुछ टिप्स भूल रहा हूँ आपको देने के या बात करने के बारे में भूल रहा हूँ, तो मैं कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो कभी उसके ऊपर अपडेट दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत हेल्पफुल होगा, अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। फिर एक नेटवर्क के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाबा खुदा, फिर गुड बाय।